For far too long, we have not been given the due credit that we deserve. For far too long, she's been calling herself India's number one cooking best bakery cuisine chef. And today, that will all be over. Aaj hum karenge cook-off with none other than Kavita's Kitchen. Kavita's Kitchen, welcome to the vlog. Thank you so much for inviting me. कैसा लगता है आपको आपका आखिरी दिन है आज as India's number one cooking channel? Result भी decide करते हैं ना? वैसे भी सपने देखने में पैसे थोड़ी ना लगते हैं। काफी overconfident लगी है यार। हाँ? She don't know what she does. You don't know what's coming for you. भजिया पाव बना के और मैगी में peanut डाल के तो कोई भी बना सकता है। कुछ अच्छा बना के दिखाइए। Are you seeing the disrespect? क्या अच्छा बनाना है? क्या throw a challenge to us, Kavita's Kitchen? Yeah. आप बताओ हम बनाएंगे। What do you want us to make? पक्का? Yes. आज मजा चखाती हूँ इनको। केक बनाए? बहुत ही आसान है। अब try करो। Done. तो बातें केक बनाने को? Video देख सकता हूँ। नहीं नहीं video नहीं देख सकता। We have challenged India's number one cooking channel. We have to do well. I have one idea. In order to beat Kavita's Kitchen, we're going to take someone's help. Okay. If there's only one person who hates Kavita's Kitchen more than us, and that is Kavita's Hall. Oh yeah. I'm gonna call Kavita's Hall. She's gonna teach us how to cook. All right? It's significantly better. You guys should check out Kavita's Hall. Link in description. Say hello, Kavita's Hall. Hi. Hello, hi. Kavita's Hall. Namaste. Namaste. Like, जब भी हम घर पे खाना बनाते हैं, नवीद और मैं हमेशा Kavita's Hall वीडियो देखते हैं. वीडियो देखते हैं. Yeah. अब बताइए Kavita's Hall कब शुरू हुआ? आज जो इतना सक्सेस मिला, आपने एक्सपेक्ट किया था? सबकी तरह मैं भी वही बोलना पसंद करूंगी कि नहीं, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था. और मैंने अपना चैनल 2014 में शुरू किया था. लेकिन चैनल का नाम कविता किचन है. किचन किचन नवीद किचन बताइए इनको. कविता हॉल. शी इज सेइंग कविता हॉल. देखो भी कविता हॉल ही सुनाई दे रहा है ना. मेरे को तो भी कविता हॉल ही सुनाई दे रहा है. हाउ डू यू नो हाउ टू कुक सो वेल? लाइक यू नो एवरीथिंग. उस चैनल पे आपका चैनल कविता हॉल नवीद कविता हॉल कविता हॉल कविता उस चैनल पे हर रेसिपी है. हाउ डू यू नो हाउ टू कुक एवरीथिंग? देखिए तन्मय, अगर कुकिंग का बेसिक्स आपको पता है तो बाकी क्वेश्चन भी होता है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है थोड़ी बहुत फॉर्मूला के साथ. तो आप बेसिकली फ्रंट बेंचर थी स्कूल में? बैक बेंचर. लोग अक्सर बैक बेंच में बैठ के मतलब बेंच के ऊपर कीले टोकते थे और ऐसे टीचर पे वो करते थे. मैम वहां पे पूरा गैस वैस लेके आके पूरा खाना बनता था बैक बेंच पे. तो आपका स्केड्यूल क्या है? आप कितने वीडियोस डालते हैं हफ्ते में? मैं हफ्ते में 3 वीडियो डालती हूँ. जैसे मैं इंडिया का सबसे बड़ा फूड ब्लॉगर बन गया हूँ, वैसे ही आप भी एक दिन बन सकते हैं. कांट कॉपी कविता किचन. आज हम बना रहे हैं मैम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बीट आवर आर्च नेमेसिस, टू बिकम एशिया नंबर वन कॉन्करर फूड ब्लॉगिंग क्यूजीन चैनल शेफ नंबर वन संजीव कपूर. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज हम जो बनाएंगे वो बहुत अमेजिंग होना चाहिए. yes. तो आज हम बनाने वाले हम कुछ भी बनाएगा अमेजिंग ही होगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो बनाता हूँ okay. वो नवीन नवीन नो नो किस फील सॉरी सॉरी आई एम बिगिन अगेन. केक बनाने का दो तरीका होता है, एक अच्छा वाला केक, एक सस्ता वाला केक, एक काम चलाओ केक. तो आपको कौन सा चाहिए? मैं हमको वो मैम वो 3 टियर वाला जो केक होता है ना, जिसके अंदर से इंसान निकलता है, वैसा वाला कूल एक्सपेंसिव फैंसी. You know what I'm saying? Like, अभी जो शादियां हो रही है पूरे देश में अभी उनको हमारा केक देख के लगना चाहिए कि यही केक चाहिए था मुझे शादी के अंदर. राइट नवीन? तेरी शादी कब है वैसे? नहीं होगा अभी. And the main ingredient required in every cake. हमारे पास है पार्ले जी गर्ल. देखिए आज मैंने पार्ले जी गर्ल, मैं और पार्ले जी गर्ल सेम लग रहे हैं आजकल यार. देखिए जो मैदे वाला बेसिक केक होता है उसके लिए मैदा चाहिए, कंडेंस मिल्क चाहिए, है क्या शुगर चाहिए. शुगर फ्री वो पाउडर होता है ना? शुगर फ्री पाउडर होता है और हेल्दी भी होता है. वेरी गुड लॉजिक, आई लाइक इट. या सी ऐसे ऐसे नहीं बने हम इंडियाज नंबर वन एशिया कॉन्करर टॉप. कंडेंस मिल्क चाहिए, पाउडर शुगर चाहिए, बटर चाहिए. बटर है, बटर भी है. बटर नहीं है शंकर? बटर बटर है. चलो और बताओ आप, बटर भी मिल गया. मैम आपने मेन इंग्रेडिएंट आप तो भूल ही गए. तिल. आप बस मुश्किल केक का हमें रेसिपी सिखा दो. बहुत
बहुत मुश्किल चलेगा आप लोगों को एकदम 100% टॉप डिफिकल्ट होना चाहिए. वो कोई भी हाथ खड़ा कर देगा कि नहीं होगा मेरे से. वैसा ही होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए कि संजीव कपूर खुद देखे बोले कि भाई मुझसे नहीं होगा ये. तो शुरुआत में बिस्किट ले लीजिए, जो भी बिस्किट आपके पास पड़े हैं. हम ऑरेंज केक बनाएंगे. मेरे को ऐसा लग रहा है, क्यों लग रहा है कि ऐसा बिल्डिंग के सारे कुत्ते आ जाएंगे खाने को केक को. वो पार्ले जी एक साथ इतना सारा पार्ले जी डाल देगा. तो मॉम यूट्यूबर जब आप स्कूल जाते हो पीटीए मीटिंग के लिए, अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं पूरी क्लास को एक साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब चिल्लाने लिंक वगैरह शूट करा था. एक बार पैकेट डाल देते जस्ट इन केस. कोशिश में कमी नहीं रहनी चाहिए. नहीं, वो भी हम इतनी मेहनत वाली केक बना रहे हैं ना. हार्ड केक ना हार्ड हो जाए मेहनत के चक्कर में. I think she's underestimating us. Yeah. It's okay, दुनिया हमें underestimate करती है, पर हम हमेशा ऊपर के ऊपर आते हैं. क्या आते हैं रवीन? तो सुनना, you don't have to listen. ये वैसे इतना अभी तक so far तो simple ही लग रहा है. Yeah. Or I think we are too good at what we are doing. Yeah, I think हम लोग amazing हैं इसलिए. It's ready to be mixed. दुनिया का सबसे खराब sound है mixer. क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ लोग अपने कोने में बैठ के स्ट्रीम कर रहे होते हैं और कुछ कुछ और लोग किचन में मिक्सर चला रहे होते हैं और कुछ लोग को बहुत दर्द होता है जब स्ट्रीम के बीच में गया स्ट्रीम. वॉचिंग हो गई है आधी. थैंक यू. बिल्कुल ही मिक्स नहीं हुआ. इतना मिक्स करने के बाद सारे बिस्किट ऐसे के ऐसे. ये मुश्किल केक आप लोगों से नहीं बना तो एक बच्चे वाला केक है, वो लास्ट में बना सकते हैं. ओपन इंसल्ट नवीन. कविताज रोस्टिंग हैज बिगन. ओ वाओ, ब्यूटीफुल, कंप्लीटली मिक्स्ड. ऐसा केक जिसे अमेरिकन सोल्जर्स भी देख के खुश हो जाएंगे. करेक्ट, मूवी रेफरेंस. नवीन पिक्चर देखे तूने? चेंज टू का बर्थडे वाला रेफरेंस है. एंड आई गो आउटसाइड. Let me shoot. Life of YouTuber. You know, हर घर में एक बच्चा होता है जो हमेशा जो बड़े होते हैं घर में उनको शूट करने नहीं देते. Right, नवीन? चलो next step बता दो आप मैम. बिस्किट को आपने उसी बर्तन में रखा है या निकाल लिया दूसरे बर्तन में? बिस्किट को हमने दूसरे बर्तन में निकाल लिया हमने. आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना यहाँ पे, इस पे निकाल दिया वैसे. किचन बहुत साफ है हमारा. चम्मच किचन आया बना हुआ था पर नवीद ने इसका सारा सेटिंग किया. आप देखो ना, चम्मच देखो, चम्मच वो कोने में. इतना दूर कोई चम्मच रखता है क्या? वहां है चम्मच. या वो देखो कोने में ब्रेड, किचन के बीच में सूखे हुए कपड़े. ऐसा कौन करता है नवीद? हाँ, जब तक नवीद है तब तक आप ये ताने मार लो. जब वाइफ आएगी ना तब पता चलेगा कपड़े का है और चम्मच का है. सब खुद ही रखने पड़ेंगे. I need to speak to my mom. Second. देखो कितना खूबसूरत मिक्स लग रहा है. हाँ, एकदम परफेक्ट. परफेक्ट ना? आपके पास बटर पेपर है क्या? बटर पेपर? बटर पेपर पूछा है, बटर नहीं पूछा है. कितना खराब सजेशन. आपके पास पेपर डोसा है? नहीं, पेपर है. पेपर का क्या फायदा जब मैं डोसा. नेवर माइंड नवीन. बटर पेपर नहीं है, इसका मतलब ये है कि बटर पेपर नहीं है. चलिए, बैचलर्स के लिए भी उपाय है मेरे पास. कविताज हॉल है तो ऑब्वियसली कविताज हॉल हैज ऑल द सॉल्यूशन गाइस. ऑब्वियसली इफ यू वांट, एक वाइट पेपर ले लीजिए नवीन. वी जस्ट नीड टू कवर द होल साइड्स. इससे देखो, इसने शंकर के डायरी से पेपर फाड़ के लाया है. ये शंकर का डायरी है, इसके अंदर पता नहीं क्या क्या लिखा है शंकर ने. डियर डायरी, आज फिर से मुझसे ब्लॉग शूट करवाया था मैंने, मुझसे अब नहीं होगा. ये देखो क्या कर रहा है मैम, ये मोल्ड के शेप में कट कर रहा है पेपर. हाँ, एग्जैक्टली वैसे ही करना है. अच्छा, ऐसे करना है. ओ अच्छा, ओके. आई मीन गुड जॉब नवीन. कीप इट अप. दिस इज गुड. नहीं, उसको उसके दोनों साइड बटर या फिर ऑयल लगा दीजिए. बटर उसको हम बटर पेपर बनाएंगे, नॉर्मल पेपर को. हम लोग जो संडे को करते ना, हम एक दूसरे के ऊपर ऑयल लगाते वैसे सेम बट फॉर वेसल. हम लोग ये नहीं करते गाइस. अगर करते तो पक्का ब्लॉग बनता उसका. दैट इज प्रूफ दैट इफ वी डू एनीथिंग इंटरेस्टिंग यू विल सी इट. हिट लाइक इफ यू वांट. मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको, ब्लॉग मेरी वजह से देख रहे हो क्योंकि मैं हिलेरियस बन रहा हूं. तो कभी नवीद भाई के साथ गेटिंग जेलस. हिज लाइक सिर्फ तब मैं फनी क्यों हो रहा है, मुझे भी फनी होना है, यू नो. एंड आई एम जस्ट लाइक नवीद, जस्ट फोकस ऑन
Nothing. Please. Not saying anything. Yeah, sure. I can't hear anything, no. पेपर में लगाना होता ना? हाँ हाँ पेपर में. पेपर पे लगाना तो पेपर ऐसा बटर पेपर बनेगा. नॉर्मल पेपर को हमने बटर पेपर बनाया. हाँ ओ ओ बटर पेपर पे एक्चुअली बटर होता है. मेरे को लगा बस वो इतना सॉफ्ट होता है कि हम उसे बटर पेपर बुलाते हैं. बटर नहीं होता. बटर पेपर में बटर नहीं होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्स होता है. एशिया नंबर वन कॉन्करर फूड. क्या बोलते हैं इसको? केक. सेंटर में गिराना है. सेंटर में ऐसे एक रिबन जैसा गिराना है. रिबन जैसा? ऐसे ऐसे जैसे गंगा जल डालते हैं ना भगवान को देते हैं वैसे. हाँ एक ही एक ही एक ही के ऊपर प्योर करना है. चारों तरफ फैलाना नहीं है. चावाश. ओ वाओ. नो नो डोंट डिस्पेक्ट. ओ सॉरी. ये है निराली. पहले बर्तन को गर्म करना है मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट. क्या फर्क पड़ता है उससे? उसमें हीट क्रिएट होता है तो जैसे ही केक आप डालेंगे तो उस टेम्परेचर पे तुरंत सेट हो जाएगा. मुझे पता था. I was just testing. Am I right? Yes, you are right. It's she's good, huh? She has potential. Yeah. If you work really hard, one day you can also be number one. Yes. Like you. Yes. Oh my God, she's such a quick learner. I like it. अच्छा आपके निराली में वहाँ पे वो है ना स्टीम निकालने का जगह है. देखिए ढक्कन पे. हाँ. हाँ है. पेपर फोल्ड करके उसमें ठूस दीजिए. क्या? थोड़ा सा पेपर सिगरेट जैसा बना के उसमें डाल दीजिए. सिगरेट जैसा बना के? ओके मैं टोबैको लेके आता हूँ एक सेकंड. हाँ सिर्फ बचपन में किया है वो सब. बड़े होके कभी ऐसा कुछ कैसे होता है? राउंड होता है क्या सिगरेट? थोड़ा धुआं आ रहा है. हमारा गैस भी थोड़ा टू बी ऑनेस्ट ओवर कॉन्फिडेंट गैस है. थोड़ा धुआं आ रहा है बोला उसने. वो सिगरेट है ना इसलिए. वो फायर एक्सटिंग्विशर है ना. आग क्यों लगेगा ये? क्या इतना मुश्किल केक है ये? हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कविता झाल. आज हम एक रेसिपी बनाएंगे जहाँ पे आपके घर पे आग लग जाएगी. इसके लिए आपको चाहिए एक फायर एक्सटिंग्विशर, एक माचिस, तेल और पेपर. आपका बिफोर यू स्टार्ट योर YouTube चैनल आप किसको देखते थे? संजीव कपूर जी को देखती थी. हाँ संजीव कपूर आई एम कमिंग फॉर यू ऑल्सो. ठीक है कविताज किचन डिफीटेड संजीव कपूर कमिंग फॉर यू. नवीन जैसे हमारे साथ स्टैंड अप में होता है कि जब भी कोई फैमिली में प्रोग्राम हो तो एक कुछ फनी सुनाना. लेटेस्ट जोक सुना. क्या कर रहा है, क्या बना रहा है. तो आपका भी डिफॉल्ट होता होगा कि कोई भी फंक्शन वगैरह कुछ भी हो खाना तो आप ही बना रहे हो. एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है ना लोगों की. वहाँ पे मजबूरी है. आप चाहकर भी ना नहीं कर सकते कि नहीं मैं नहीं बनाऊंगी. हाँ दैट्स ट्रू. मेरी फैमिली में मना कर दिया. एक दो बार जोक सुनाने गया उनका ही मजाक उड़ा दिया. दे गॉट अपसेट आफ्टर दैट. उसके बाद प्रॉपर फूल चुका है बाय द वे. अभी प्रॉपर केक लग रहा है. केक का ऐसा पेट आ गया ऐसा लग रहा है. यू नो अर्ली 40s अंकल केक. तब तक आप वो ट्राई कर सकते हो जो दूसरा वाला मैं बताऊंगा. दूसरा वाला ट्राई करना होगा. तो क्या है ये? आप बिस्किट शुगर एंड मिल्क. अगेन मिल्क. 1 मिनट. ये मेरे टाइप आलसी लोगों के लिए मिल्क है. यहाँ पे तो हमने डाला है बेसिक बिस्किट शुगर और मिल्क. अभी इसको ब्लेंड करेगा. इतने सालों से मोंजिनीज वाले हमें बना रहे हैं. पेस्ट कितना थिक होना चाहिए? काफी थिक होना चाहिए ना? थिक होना चाहिए. हाँ थिक होना चाहिए. नवीद ने 4.5 लीटर दूध डाल दिया है 4 बिस्किट में. तो बैचलर्स है 1 नंबर के. ओके वंस दिस इज डन आप आपका केक धीरे से डाल सकते हैं. नहीं नहीं रुकिए 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 रुकिए. ओके रुक सकते हैं. हाँ कप में थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए. कप में थोड़ा सा ऑयल. दूसरा कप ले लो. अरे जल रहा है. ठीक जल रहा है. धुआं दिख रहा है मेरे को यहाँ से. हाँ हाँ बंद कीजिए प्लीज गैस को. गैस फ्लेम तो हाई है. हाँ पर केक तो सही लग रहा है. जल नहीं रहा है. हाँ वो कविताज किचन से नाम मत खराब कीजिए मेरा. अच्छा लग रहा है. देखो साइड से थोड़ा निकल के आ रहा है. केक वाली फीलिंग तो आ रही है कि ऐसा कि ओ कुछ एपिक होने वाला है. अमेजिंग. इसको अभी प्लेट पे निकालेंगे हम. ऐसे थोड़ी रखेंगे. नहीं अभी ठंडा होने देना है. अगर आप उसको उल्टा कीजिएगा तो टूट जाएगा तुरंत. उसको पंखे के नीचे रख दीजिए ना. टूट जाएगा. इतना नाजुक है. कोई भी गर्म केक टूट जाता है. शीशा हो या केक हो टिडिंग टिडिंग टिडिंग
आखिर टूट जाता है टूट फूल गया है फुलने का इंतजार करना। हाँ, और हाथ से उसे मुंह में ऐसे चेहरे पे लगा के लेके आना। हाँ, केक वाली शेप तो आ गई है, क्यूट सी। हाँ, फूल तो गया, लेकिन वैसा नहीं फूल। वैसे नहीं फूला जैसे फूलना चाहिए। जब तक बड़ा केक ये होता। अरे बहुत गर्म है, बोला कि नहीं नवीन। चेहरे पे लगा के लेके। क्या बुरा फीलिंग? बिल्कुल भी पैकेज 400 रुपए का अपना शक्ल डाल के इसको बेच सकता है। कर दिया तूने साइड से? नहीं। और निकल चुका है, परफेक्ट, परफेक्ट वन पीस। Do you have Nutella? Chocolate spread? Peanut butter है, Nutella भी है, Hershey's है अपने पास, बहुत कुछ है। Blender's Pride है, पर वो अगर केक खराब होता तो हम Blender's Pride यूज़ करते। कुछ पैटर्न लगा, ऐसे ऐसे नीचे दबके। क्या ही लग रहा है, माशाल्लाह। मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ। Yeah, it looks so good. अब चिंटू का बर्थडे मना ही लेते हैं। हाँ, चिंटू बाहर में क्या चिंटू? This is my birthday. अबे साले। बहुत अच्छा लग रहा है। It looks and feels good. और अब चुनौती का वक्त आ गया है। Yes. अब हम जाएंगे कविता's किचन के पास, उसको दिखा देंगे कि हम लोग ने इंडिया का बेस्ट केक बनाया और हमने अच्छा केक बनाया। And that is why we are the number one cook all Asia cooking. Baking and cuisine chef Sanjeev Kapoor in India. Conqueror. Also. That also. Yeah. Good. Remember. So thank you very much, Kavita's Hall. You've been an ally. आपने हमारी मदद की, हम कभी नहीं भूलेंगे. जिस दिन हमारा empire बनेगा, जिस दिन पूरा देश हमारा खाना बना रहेगा, तब हम आपको 4.5 रुपए as royalty देंगे. Hello. All right, Kavita's Kitchen. We are ready. We have made the world's not. आपने बोला India का best cake. हमने world का best cake बनाया है. What do you think, Navi? Yeah. Kind cake. बस attitude शुरू. Excuse me, हम लोग pause मारे. One second. Okay, दिख रहे. It's very good. आपने कहा था अच्छा केक बनाने के लिए हम अच्छा केक बनाएंगे। टेस्ट करने के लिए वी हैव विद अस अ न्यूट्रल पर्सन, समवन जो मेरा बायस नहीं है, हु इज नॉट एम्प्लॉयड बाय मी, हु डजंट नीड टू से एनीथिंग नाइस अबाउट मी। आई एम ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट द वन हु विल डिसाइड इज नन अदर देन शंकर। शंकर, कैन यू प्लीज कम हियर? शंकर, ये है कविता किचन। हेलो मैम। शी इज नंबर वन इंडिया कुकिंग चैनल, बट आज हमने उनको चैलेंज किया, उन्होंने बताया कि आप एक केक बना लो, केक अच्छा बना तो वो मान जाएगी कि वी मी और नवी आर इंडियाज नंबर वन कुकिंग चैनल। ठीक है सर, देखने में भी तो अच्छा लग रहा है। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, और खाने में तो मुझे लग रहा है कि तो अमेजिंग ही हो जाएगा। हां हां, आप ही के साथ रहते हैं ना, तो आपका ही साइड लेंगे वो। नहीं, हमारे साथ, मैं आई एम मीटिंग फॉर फर्स्ट टाइम। हैप्पी बर्थडे, इतना स्लोली क्यों गा रहे हम? कभी नहीं खाया था ऐसा केक, मेरे बच्चे के बर्थडे में भी ऐसा केक नहीं मिला है। इतना अच्छा बना है क्या? मुझे भी और 50 रुपए कट ओवर और काफी खूबसूरत बना भी है, और हम लोग नंबर वन है। शंकर, आजा पीछे लेकर, अभी तू भी आजा। नहीं, ऐसा हाँ। अरे नेटवर्क ठीक नहीं है, अरे आवाज नहीं आ रही, अरे All right, if you enjoyed that, then make sure you hit what? and share and subscribe and also subscribe to the second channel. Yeah, why? The second channel is it's why? No, you have to do with me. You can't. If everybody starts doing like this, how will it work? Okay. Second channel is
अरे Don't put your mouth on it. Also, big shout out to Kavita's Kitchen for doing this collaboration. Kavita OP in the chat, please. Kavita's Kitchen YouTube channel. Jao, फटाफट subscribe करो. उनके latest video पे जाके लिख दो Bot Army is here. उनको बता दो Bot Army की शक्ति और हमारा that and that we are a world's top Asia number one food vlog cook chef bakery patisserie connoisseur food critic. Rajiv Masand of Burgers Conqueror.